अलीगढ़ से खबर है, छात्रों का प्रदर्शन यहां अभी भी चल रहा है, जारी है। परीक्षा का बहिष्कार किया छात्रों ने, स्कूल कैंपस के अंदर कर रहे हैं प्रदर्शन। रजिस्ट्रार वीसी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। इस्तीफे की मांग, सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी एक खबर, छात्रों का प्रदर्शन जारी है अभी भी विश्वविद्यालय में। छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर यह प्रदर्शन चल रहा है। रजिस्ट्रार बीसी के इस्तीफे की मांग हो रही है, सीए और एनआरसी का विरोध। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहा है, छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है, कैंपस के अंदर कर रहे हैं प्रदर्शन। रजिस्ट्रार और वीसी के इस्तीफे की मांग हो रही है, सीए और एनआरसी का विरोध अभी भी थमा नहीं है। अलीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है, कैंपस के अंदर कर रहे हैं प्रदर्शन। रजिस्ट्रार बीसी के इस्तीफे की मांग, सीए और एनआरसी का विरोध। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन जारी है, छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है, कैंपस के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। प्रमोद जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है? ये प्रदर्शन जो सीए के खिलाफ शुरू हुआ था, अभी तक थमा नहीं है? बिल्कुल, देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 45 दिन बीते जा रहे हैं और लगातार छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है नागरिकता कानून बिल जो बनाया उसमें संशोधन होना चाहिए। इसके अलावा मांग दूसरी और उन्होंने स्टार्ट कर दी, उनकी दूसरी मांग ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर तारिक मंसूर है वो तत्काल इस्तीफा दें और इस्तीफा नहीं देंगे जब तक लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा। इसी कड़ी में आज अब्दुल्ला कॉलेज में वाइवा का एग्जाम था और वो तमाम छात्राओं ने एग्जाम देने से इनकार कर दिया। सीधे तौर पर वो छात्राएं अपने अपनी क्लास रूमों के बाहर बैठ गए और जमकर नारेबाजी एमयू इंतजामिया के खिलाफ करने लगी है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स के आला अधिकारी कैंपस के बाहर पहुंच गए, बावजूद इसके लगातार छात्राएं और छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग और अब्दुल्ला में अलग छात्राएं प्रदर्शन कर रही है। अब देखना यही होगा कि आखिर ये जो प्रदर्शन है कब तक चलेगा। छात्र और छात्रों का दो टूक, यानी सीधे तौर पर कहना, उन्होंने सीधे कहा है कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम परीक्षाओं पर, पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो अभी डेडलाइन में है, जिनको अभी होना है? देखिए परीक्षाएं तो सारी ही होनी है, मगर सबसे बड़ी बात यह है इंजीनियरिंग कॉलेज में जो परीक्षा थी, महत्वपूर्ण परीक्षा थी, कल वो परीक्षा नहीं हो पाई, उसके बाद आज परीक्षा थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला कॉलेज में परीक्षा थी। लड़कियां सीधे तौर पर जो छात्राएं, उन्होंने परीक्षा देने से इनकार कर दिया और अभी महत्वपूर्ण तमाम परीक्षाएं एमबीबीएस से लेकर तमाम जो कोर्सेज है उनकी परीक्षाएं होनी है, बावजूद इसके छात्र बिल्कुल कहीं भी किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। बस एक ही मांग है छात्रों की कि वाइस चांसलर तारिक मंसूर और रजिस्ट्रार दोनों जब तक पद से इस्तीफा नहीं देंगे जब तक छात्रों का आंदोलन बिल्कुल खत्म होने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि लगातार छात्र लगभग 45 दिन हो गए और हर रोज कोई ना कोई नया तरीका विरोध प्रदर्शन का छात्र निकाल कर लाते हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी पंकज, प्रमोद, जिस तरीके से परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं, बीसी और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। लेकिन अलीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हो रही है।